अब हम लोग आते हैं एब्जॉर्प्शन की ओर। एब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। मान लीजिए इंटेस्टाइन की वॉल है और इसमें की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये पूरी की पूरी इंटेस्टाइन की वॉल में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और दीज प्रोजेक्शंस आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, ताकि जो भी फूड हमारा यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, जो भी एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो कि डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में आ सके। इसीलिए क्या होता है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में यहाँ पे फाइन कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, जो डायरेक्ट फूड जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसे ले सकें। और इसे हम कहते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें हम कहते हैं इंटेस्टाइनल विलाई। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल विलाई। तो इन इंटेस्टाइनल विलाई में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विद फाइन कैपिलरीज और दीज आर कॉल्ड इंटेस्टाइनल विलाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये बात तो हमने समझ ली कि फूड का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइनल विलाई है। और इन इंटेस्टाइनल विलाई के पास क्या होता है, स्पेशल सेल्स जो होती हैं वो स्पेशल फीचर्स के साथ होती हैं और उनमें फूड को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है और उन्हें हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स। जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं वो इन फिंगर इंटेस्टाइनल जो विलाई हैं इनके बॉर्डर पे लगी हुई होंगी, इनके बॉर्डर पे अरेंज होंगी और वही क्या करेंगी, फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये सारी एब्जॉर्प्टिव सेल्स होंगी यहाँ पे, वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी और डायरेक्ट यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें सप्लाई कर देंगी, ताकि जो भी फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाए और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए, जहाँ भी उसकी ज़रूरत है वहाँ तक वो पहुँच सके। तो ये हो गया, देखा हमने कि कहाँ पे हो रहा है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन हो, ये कैसे होगा एब्जॉर्प्शन, ये तो देख लिया कि हमने क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं, लेकिन इनका प्रोसेस क्या है, कैसे एब्जॉर्ब होती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो एब्जॉर्ब होने के दो प्रोसेस हैं, दो तरीके हैं जिन प्रोसेस से ये एब्जॉर्ब होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमने देखा कि तीन तरह के मॉलिक्यूल्स में, यानी कि तीन मोनोसेक्राइड में, तीन तरह के, थ्री टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड आर फॉर्म्ड जब कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन हुआ। तो पहला ग्लूकोज था, दूसरा गैलेक्टोज था और तीसरा फ्रक्टोज था। तो फ्रक्टोज जो है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं। पहला तो है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी पार्टिकल्स हैं वो कहां से कहां को मूव होंगे, जहां पे हाई कंसेंट्रेशन होगा वहां से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शुगर इंडस्ट्री है, वहाँ पे शुगर का लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है और हमारे घरों में क्या है, उसका कंजप्शन हो रहा है। शुगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए वहाँ पे एज कम्पेयर टू अवर होम्स देयर इज़ अ लार्ज कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, और हमारे घरों में अगर कंपेयर किया जाए वहाँ से, तो क्या है, हमारे घरों में शुगर का कंसेंट्रेशन जो है वो कम है, क्योंकि हम लोग उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बन रही है, वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं हो रही, हमारे यहाँ बन नहीं रही लेकिन यूटिलाइज़ हो रही, इसलिए यहाँ पे जो शुगर का कंसेंट्रेशन है वो कम होगा। तो कहाँ से कहाँ को मूव होगा, इंडस्ट्री से हमारे घरों की तरफ शुगर आएगी। वैसा ही यहाँ भी है कि जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है तो क्या होता है कि वहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या है, उसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो कुछ जो होगा वो क्या होगा कि सिंपल डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है, सिर्फ फ्रुक्टोज जो है वो एब्जॉर्ब होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फ्रुक्टोज जो है वो एब्जॉर्ब होता है, फ्रुक्टोज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात की जाए, तो सिंपल डिफ्यूजन हमने देख लिया क्या हो रहा है यहाँ पे, Thank you.
तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि सिंपल डिफ्यूजन फ्रुक्टोज, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में। तो सिंपल डिफ्यूजन हमने आसानी से समझ लिया कि ये यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्रुक्टोज जो है वो मूव कर रहा है। अब उसके बाद एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का अगर एक्टिव वर्ड कहीं भी आए बायोलॉजी में तो एक्टिव वर्ड का मतलब होता है वहां पे एनर्जी एक्सपेंड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में वहां पे जो एनर्जी है वो एक्सपेंड हो रही है। एक्टिव का मतलब ये होता है कहीं भी एक्टिव आ जाए, एक्टिव परमेबिलिटी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव सेक्रीशन, एक्टिव रेब्जॉर्प्शन, तो वहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंड हो रही है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी करेंसी क्या होती है हमारी बॉडी की, एटीपी होती है। तो एटीपी जो होती है वो वहाँ पे एक्सपेंड हो रही है या खर्च हो रही है या फॉस्फोराइलेट हो रही है, वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब बर्न होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंड हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एक कैरियर कंपाउंड होगा, ये कैरियर कंपोनेंट होगा। कैरियर कंपाउंड जो होगा वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वही क्या करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो कैरियर कंपाउंड है ये क्या होगा, पहले एटीपी के साथ फॉस्फोराइलेट होगा, यानी कि एटीपी को यूटिलाइज करेगा, एनर्जी लेगा एटीपी से। उसके बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज को क्या करेगा, बाइंड करेगा। अगर ग्लूकोज के लिए वो एक कैरियर मॉलिक्यूल है या कैरियर कंपाउंड है तो ग्लूकोज को बाइंड करेगा, और गैलेक्टोज के लिए अगर कैरियर कंपाउंड है तो गैलेक्टोज को बाइंड करेगा। तो फॉस्फोराइलेट होने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अलग अलग, इसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग होंगे इसके लिए कैरियर मॉलिक्यूल, वो क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे ग्लूकोज वाला ग्लूकोज को और गैलेक्टोज वाला गैलेक्टोज को, और वो बाइंड करके क्या करेंगे, इसे एब्जॉर्ब करेंगे और पहुंचा देंगे कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज, आप क्या होना है, इसका यूटिलाइजेशन होना है। तो ये हमने देखा एब्जॉर्प्शन, कितने सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन को समझ लिया। पहला सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे वर्क कर रहा है। उसके बाद एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो एनर्जी के हेल्प से कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू, कैरियर कंपाउंड के थ्रू क्या कर रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज जो है वो क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज में फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, अगर वो एब्जॉर्ब हो गया तो उसमें फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगी उन सेल्स में। वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होने के बाद क्या होगा कि एनर्जी का प्रोडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ग्लाइकोलिसिस होगी ग्लूकोज की और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उसके बाद अगर बात की जाए गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज की, तो ये क्या होंगे, ग्लूकोज क्या होगा, डायरेक्टली यूटिलाइज, डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाएगा ग्लूकोज और जाएगा कहां पे, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, वहां पे ग्लाइकोलिसिस होगी ग्लूकोज की, यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, पायरविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, पायरविक एसिड यानी कि वहाँ पे बचेगी, पायरविक एसिड एंटर करेगी साइट्रिक एसिड साइकिल में, और साइट्रिक एसिड साइकिल में भी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे भी जो क्या कहते हैं एनएडीएच प्लस एच प्लस बनेगा और एफएडीएच प्लस एच प्लस बनेगा। तो उसके बाद वो एंटर करेगा ईटीएस में और वहाँ पे फाइनली पूरा का पूरा ग्लूकोज के जितने भी कंपोनेंट्स जो भी बना था उससे वो सारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी कि इसमें ग्लूकोज में, ये डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज की बात की जाए तो ये क्या होगा, इन दोनों को लीवर में पहले जाना होगा, यहां पे क्या होगा इनकी प्रोसेसिंग होगी और ये कन्वर्ट होंगे किसमें, लीवर में, ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद अब ये क्या करेंगे, ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं।
डायरेक्टली गैलेक्टोज भले एक मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भले एक मोनोसेक्राइड है, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। और हमारी बॉडी में जो भी एज एनर्जी यूटिलाइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज है। और हम दुनिया भर की चाहे जो चीज़ खा डालें, लेकिन अगर वो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो हमारी बॉडी में उसका एनर्जी का कोई महत्व नहीं है, वो हमारी बॉडी में एज एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगा। कोई भी चीज़ हम खाएं, अगर वो ग्लूकोज में ब्रेक हो रही है तो वही हमारी बॉडी में क्या होगा, यूटिलाइज होगा एज एनर्जी। अगर मान लीजिए ग्लूकोज डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट से नहीं बन रहा है तो वो फैट और प्रोटीन से बनेगा, लेकिन जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में ही होगा। और अदर किसी फॉर्म में, भले प्रोटीन और फैट भी हमारे डाइट का ही एक पार्ट है लेकिन हमारी बॉडी में ही जाता है, वो भी डाइजेस्ट होता है, लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं बन रहा है तो वो उस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजफुल है। तो क्या हो रहा है, इन दोनों चीज़ों का क्या हो रहा है, लीवर में कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज में, प्रोसेसिंग होगी वहाँ पे लीवर में और ये कन्वर्ट होंगे किसमें, ग्लूकोज में, और फिर ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेंगे। अब इसके बाद कुछ ये हमारा हो गया पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ और जनरल बातें जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में। तो मान लीजिए एक हमने हैवी मील ली जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा है, क्या लिया हमने, एक हैवी मील ली, मतलब एक डाइट ली जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, इतना भी ज़्यादा नहीं कि नुकसान कर जाए लेकिन ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसमें क्या होगा कि जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा इसका, तो ये ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँचेंगे तीनों मोनोसेक्राइड। तो जितना भी ग्लूकोज की ज़रूरत है हमारी बॉडी में वो तो अपनी साइड पे जाकर जहाँ भी ज़रूरत है ग्लूकोज की वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए क्या है कि थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा है, जितनी एनर्जी हमें ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है हमारी बॉडी में, यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा जो बन रहा है, वो क्या हो रहा है कि लीवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो भी ग्लूकोज है एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जा रहा है, लीवर में, मान लीजिए बेसिकली लीवर और मसल्स में स्टोर होता है, लेकिन हम यहाँ पे लीवर को ही लेकर चलेंगे, लीवर में कन्वर्ट स्टोर हो जा रहा है। अभी लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में कन्वर्ट हो जा रहा है, लीवर में स्टोर हो जा रहा है। अब यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे भी एंजाइम लगेंगे, वहां पे इंसुलिन, या फिर ये इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, कहाँ पे, लीवर में। इस अब मान लीजिए इंसुलिन हमारी बॉडी में उतना अमाउंट में सिक्रेट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में राइज कर जाएगा। और इस कंडीशन को अगर मेडिकल साइंस की भाषा में बोला जाए तो इसे हम कहेंगे डायबिटीज़, और ये एक डिसीज़ है, डायबिटीज़ कॉज हो जाएगी अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज हो जाएगा। और किस लिए राइज होगा, अगर इंसुलिन वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, या फिर इसका प्रॉपर इसकी सिक्रीशन नहीं हो रहा है। कहाँ से सिक्रीट होता है, ये पैनक्रियास के इंडोक्राइन पार्ट से, इसलेट ऑफ लैंगरहंस जिसे कहते हैं, वहाँ की बीटा सेल से ये सिक्रेट हो रहा है। पैनक्रियास में एक पार्ट है इंडोक्राइन पार्ट जिसे हम कहते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहंस, वहाँ पे बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं। अब वहाँ की अगर बीटा सेल डैमेज हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे, प्रॉपर इसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा ग्लूकोज को लीवर में जाके। तो ग्लाइकोजन में अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा में जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में वो कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो राइज कर जाएगा, और वही कंडीशन क्या होगी जिसे हम कहते हैं शुगर हो गया है। किसी पर्सन को देखते हैं कि शुगर हो गया, उन्हें आसपास जरूर सिटी में तो ज़रूर मिल जाएंगे, हर एक घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट है ज़रूर। तो और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ दो तरह की होती है, अगर मान लीजिए इंसुलिन का लेस सिक्रीशन हो रहा है तो ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस।
ये कौन सी डिजीज कहलाएगी? ये मेडिकल साइंस की भाषा में से कहा जाएगा डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है, कहाँ पे, ब्लड में। ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में, वैसे जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है ब्लड में वो 90, इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, 90 मिलीग्राम पर 100 ml। ग्लूकोज का जो लेवल है 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए 90 मिलीग्राम से प्रति 100 ml ब्लड में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल राइज कर जाएगा और डायबिटीज मेलिटस हो जाएगी, इस डिसीज को हम कहते हैं। अब जब मान लीजिए, अच्छा ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, ये इतनी जनरल बातें हैं, ये जरूर लिख लीजिएगा, डायबिटीज मेलिटस किसकी वजह से होता है, इंसुलिन के लेस सिक्रीशन की वजह से। ग्लूकोज का जब ब्लड, ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में जब राइज कर जाता है तो डायबिटीज मेलिटस होती है, और ये क्यों राइज करता है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो पा रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और जो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज में ब्लड का वो है 90 मिलीग्राम पर 100 ml। अब आगे, अब मान लीजिए क्या है, यहाँ पे लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है, ये स्टोर्ड ग्लूकोज है, स्टोर्ड ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या है, ग्लूकोज लीवर में स्टोर है। अब मान लीजिए हम खाना खाने के बाद 2-3 घंटे हो गए, तो जो भी ब्लड में ग्लूकोज था वो सारा का सारा यूटिलाइज हो गया। अब क्या होगा, ये ग्लाइकोजन जो है वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में, क्योंकि अब हमारे ब्लड में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो रहा है, तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे कंपेंसेट करने के लिए ये जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेक होना, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। अब कौन से यहाँ पे कौन सा हार्मोन या कौन से एंजाइम एक्ट कर रही है लीवर से जो ग्लाइकोजन है उसे कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे जो एंजाइम, या इसे हार्मोन कहेंगे, एंजाइम नहीं कहेंगे, यहाँ पे जो हार्मोन है वो है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, GLUCAGON, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करेगा, जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है इसकी ग्लाइकोजेनोलिसिस करवाएगा और कन्वर्ट कर देगा इसे ग्लूकोज में। अब मान लीजिए अगर ग्लाइकोजन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहा है, ये भी कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियास से। पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट जो इसलेट ऑफ लैंगर सेल्स है, वहाँ की अल्फा सेल्स जो हैं, अल्फा सेल्स सिक्रीट करती हैं ग्लाइकोजन को और बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं इंसुलिन को, कहाँ पे, इसलेट ऑफ लैंगर सेल्स में, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पैनक्रियास का इंडोक्राइन पार्ट है। तो ग्लूकेगॉन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। अब मान लीजिए इसका सिक्रीशन लेस हो गया है, ये कम सिक्रीट हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में कम हो जाएगा और प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और इस फिर इस कंडीशन को मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। इसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अगर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जा रहा है, कहां पे, ब्लड में। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जा रहा है ड्यू टू द लेस सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगॉन फ्रॉम पैनक्रियास, तो ये कंडीशन कहलाएगी डायबिटीज इंसिपिडस। ये भी एक तरह की डिसीज है, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस है वैसे ही डायबिटीज इंसिपिडस है, ये भी हार्मफुल है, ये भी फिटल है अगर क्योर ना हो ठीक से, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। ये भी अक्सर लोगों में देखने को मिलता है, वैसे तो ज़्यादातर आज डायबिटीज मेलिटस ही देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं भी डायबिटीज इंसिपिडस भी मिलता है, तो ये किस लिए हो रहा है, ग्लूकेगॉन के लेस सिक्रीशन की वजह से, और ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो, यानी कि 90 मिलीग्राम पर 100 ml जो था, अब उससे ये क्या हो गया, ये कम हो गया। 90 मिलीग्राम पर 100 ml से क्या हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जा रहा है,
तो उस कंडीशन में डायबिटीज इंसिपिटस हो रहा है। तो ये हो गया इतना, ग्लूकोज का हमने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाया, और ग्लाइकोजन में कम होने पे, ग्लूकोज ब्लड में कम होने पे फिर से ग्लूकोज में ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ हार्मोन ग्लूकागॉन। यहाँ पे इंसुलिन से कन्वर्ट हो रहा है, इंसुलिन की हेल्प से ग्लूकोज जो है ग्लूकागॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकागॉन हार्मोन की हेल्प से। ये दोनों हार्मोन हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों पैनक्रियास के इसलेट ऑफ लैंगरहंस से सीक्रेट होते हैं जो कि उसका एंडोक्राइन पार्ट है।